जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है और भारतीय टीम का 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का सपना सपना रह गया विराट कोहली की कप्तानी में। टीम इंडिया ने केपटाउन में खेले गए आखिरी टेस्ट में अफ्रीका के सामने 212 का रन चेज रखा था। इसे अफ्रीका टीम ने चौथे दिन 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। आखिरी दिन साउथ अफ्रीका को 111 रन बनाने थे और क्रीज पर कीगन पीटरसन, रसी बांदर दुसैन मौजूद थे। आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा नहीं था कि टीम इंडिया के पास मौके नहीं बने। दरअसल साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी के 39वें ओवर में जसप्रीत बुमराह के गेंदबाजी आई। इस ओवर की चौथी गेंद पर पीटरसन ने डिफेंसिव शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधे स्लिप में पुजारा के पास गई। पुजारा ने तब आसान मौके को गवा दिया और उनके हाथ से ये आसान सा कैच छूट गया। ऐसा होने के बाद बुमराह खामोश हो गए और कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि पीटरसन का विकेट कितना बड़ा था। आपको बता दें कि किगन पीटरसन को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया, मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। ये सब होता देख कप्तान विराट कोहली भी शांत दिखे। उन्होंने गेंद उठाकर दूसरे फील्डर को थमा दी, कुछ नहीं बोले, क्योंकि पुजारा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उनको क्या ही डांटे। पुजारा भी काफी निराश नजर आ रहे, उसका अफसोस जताते दिखे। कुछ देर बाद कोहली फील्डिंग छोड़कर गुस्से में डगआउट में जाकर बैठ गए और निराश दिखे, क्योंकि उनको पता था कि मैच उनके हाथ से निकलना है। पीटरसन को जीवनदान मिलने के बाद उन्होंने संभल कर खेला और टेस्ट करियर का तीसरा अर्धशतक जमा दिया। वे 82 रन बनाकर शार्दुल की गेंद पर बोल्ड हुए, लेकिन तब तक उन्होंने अपनी टीम को जीत तक पहुंचा दिया था। साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी के 37वें ओवर में मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद शमी ने फुल लेंथ पर डाली और दुसैन ने उसे ड्राइव करने का मन बनाया। गेंद करीब से निकल गई और पंत के पास पहुंची। कोहली और पंत समेत पूरी टीम इंडिया ने अपील की, लेकिन फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट दिया। इसके बाद कप्तान कोहली ने रिव्यू लिया। रिप्ले में देखने के बाद पता लगा गेंद बिना बल्ले को लगे कीपर के पास पहुंची थी। हालांकि अल्ट्राइज तकनीक पर डबल स्ट्राइक दिखा, लेकिन वो बल्ले के जमीन पर घसीटने की वजह से थी। थर्ड एम्पायर के दुसैन को नॉट आउट देने पर कोहली विश्वास नहीं कर पाए और एम्पायर से बात करते दिखे। उनका मानना था कि डबल स्ट्राइक बल्ले पर लगने की वजह से था। किगन पीटरसन ने टेस्ट के तीसरे दिन नाबाद रहने के बाद चौथे दिन अपनी पारी को आगे बढ़ाया। टेस्ट करियर का तीसरा अर्धशतक लगाया उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए। दुसैन के साथ तीसरे विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी की और भारत के हाथों से मैच छीनकर साउथ अफ्रीका की झोली में ला दिया। तो दोस्तों, शायद अब पुजारा और रहाणे का सफर यहां से अंत कर देना चाहिए। आप ही क्या राय इस मामले पर, अपनी राय जरूर रखेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।